कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है और हम लोग आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा गौरव यात्रा निकाल रहे हैं तथा हिटलर शाही को नहीं चलने देंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े नेता हैं, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, एक जमीनी स्तर के नेता है और 7 से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं और कितनी बड़ी जनसैलाब इनके पीछे आप शीघ्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कितनी बड़ी जनसैलाब है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का जनाधार भारत से खत्म हो गया है, मैं उससे बात करूंगा सर से, मैं क्वेश्चन लूंगा, तो इतनी बड़ी जनसैलाब इतनी धूप में और स्वर के साथ कैसे जी पहले पर्चे लेते हैं? गौरव यात्रा जी आजादी के 75 साल बीतने के बाद कांग्रेस जी हर विधानसभा हमारे जो लोकसभा है उसमें 75 किलोमीटर तक की यात्रा करनी जी, जिस तरह आज महंगाई चरण सीमा पर है, बेरोजगारी जी महंगाई चरण सीमा पे है, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। सदन में अभी आपके तरफ से क्वेश्चन किया गया था, कांग्रेस के सांसद भी क्वेश्चन किए थे, तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं सर। ये तो आम आदमी से पूछे आप जी, बताइए महंगाई है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल महंगाई तो है, बेरोजगारी चरण सीमा पर है, भ्रष्टाचार है, कितनी चल रही है जी, जहाँ आज देश में संविधान पर खतरा है जी, कांग्रेस पार्टी गौरव यात्रा के माध्यम से जी गाँव गाँव जाकर पैदल चल जी देश के सम्मान स्वाभिमान एकजुटता जी और जो हमारा बुनियादी स्वतंत्रता एकता है अखंडता है उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकाले गए। अच्छा, मतलब इसका नाम तिरंगा यात्रा नहीं गौरव यात्रा रखा? गौरव यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जी, गौरव यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों ने अपना अलग अलग समय निर्धारित किया है और अलग अलग डेट भी निर्धारित किया गया है, कांग्रेस ने इसका नाम गौरव यात्रा दिया है, कहीं ना कहीं गौरव यात्रा। आप देख रहे हैं साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ, मैं विकास तिवारी, नमस्कार।